बिहार विधानसभा का चुनाव पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जहां तीसरे दौर यानी कि 7 नवंबर का भी चुनाव पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब ऐसे में सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। जी हां, जिस तरीके से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने काफी ज्यादा जोर शोर से बीजेपी, जेडीयू या फिर आरजेडी के लिए दमदार प्रचार प्रसार करते हुए लोग नजर आए। जी हां, जहां तक भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने दमदार तरीके से तेजस्वी यादव के लिए रोड शो किया और उनके कैंडिडेट के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को नया चेहरा यानी कि युवा भविष्य बताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री की बात भी कह डाली थी। और अब जब वोटिंग पूरी तरीके से हो चुका है तो ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या खेसारी लाल यादव एक बार फिर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना पसंद करेंगे। तो ऐसे में अभी तक इसके ऊपर कोई भी खेसारी लाल यादव का जवाब सामने नहीं आया, लेकिन खेसारी लाल यादव ने अपने वोटरों से अपील किया था कि वो मतदान में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और जमकर वो मतदान करे ताकि वो नए सरकार को बनाने में मदद करे और बेहतर बिहार के बेहतर भविष्य के लिए वो अपना योगदान दे। जी हां, इस तरीके का काफी ज्यादा खेसारी लाल यादव को लेकर काफी ज्यादा लोग सक्रिय हो चुके हैं और हर कोई चाह रहा है कि खेसारी लाल यादव के पसंदीदा कैंडिडेट यानी कि तेजस्वी यादव ही जीत कर पा रहा है, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि बिहार का नया भविष्य तेजस्वी यादव को होना चाहिए क्योंकि तेजस्वी युवा है और तेजस्वी को ही नया मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ऐसे में हमें कमेंट करके आप ये बताएं कि क्या बिहार में नया चेहरा यानी कि युवा भविष्य तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को चौथी बार बिहार की गद्दी को सौंपना पड़ेगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। भोजपुरी गॉसिप से राव शर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।